हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉपी पेस्ट के बारे में। जी हाँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे 6 महीने पहले इसने वीडियो डाले 61 लाख व्यूज़, 6 दिन पहले 1.1 लाख व्यूज़, यहाँ पे 2 हफ्ते पहले 1 लाख व्यूज़, 1 साल पहले 1.9 करोड़ व्यूज़ तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम इन चैनल्स के सब्सक्राइबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसने डाली है 318 वीडियोस, 7.48 लाख व्यूज़। यहाँ पे इसने वीडियो डाली है 253 वीडियोस और 13.9 लाख व्यूज़, यानी 14 लाख पहुँचने वाले हैं। अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप अर्निंग देखो, $20,000 से लेके $322,000। अगर मैं आप लोगों को यही अर्निंग यहाँ पे दिखाऊँ मेन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ देखो $20,100 से लेकर के $322,000 तक की अर्निंग कर रहा है दोस्तों, ये मंथली। यहाँ पे आप देखो इसके सब्सक्राइबर्स 1.39 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड अपलोड से इसके 253। ठीक है, चैनल का कोई टाइप सेलेक्ट नहीं कर रखा है, यानी कि पीपल एंड व्लॉग्स में वीडियोज़ जाती है इसकी। और वीडियोज़ कैसी डाल रहे हैं आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी कंटेंट डाल रहे हैं। यूट्यूब पर चल के देखते हैं इसके चैनल को, 318 वीडियो डाली और 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स है इसके। ठीक है, यहाँ पे वीडियो देखो, 1 दिन पहले 15,000 व्यूज़, 3 दिन पहले 12,000 व्यूज़। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देखें तो यहाँ पे देखो आप लोग कितने हजारों में व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, 13 दिन पहले 86,000 व्यूज़। ठीक है, यहाँ पे 3 हफ्ते पहले 86,000 व्यूज़, यहाँ पे देखो 1 महीने पहले 11,000 व्यूज़, 1 महीने पहले 1.3 लाख व्यूज़, 1 महीने पहले 1.7 लाख व्यूज़, 1 महीने पहले 1.2 लाख व्यूज़, यानी कि यहाँ पे लाखों हजारों में व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दूसरे चैनल को अगर विजिट करके देखें तो यहाँ पे आप देखो, ये एक दूसरा चैनल है। ठीक है, इस चैनल की आप एक बार वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ 253 वीडियो और 13.9 लाख सब्सक्राइबर्स है, यानी कि 14 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, 2 दिन पहले 29,000 व्यूज, 4 दिन पहले 15,000 व्यूज, 6 दिन पहले 1.1 लाख व्यूज, 8 दिन पहले 29,000 व्यूज। यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए अगर, तो आप देखो 2 हफ्ते पहले 50,000 व्यूज, 2 हफ्ते पहले 1 लाख व्यूज। ठीक है, यहाँ पे और नीचे, यानी कि दोस्तों आपको पता है इस तरीके का जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत पॉपुलर यानी ट्रेंडिंग में चला जाता है, और यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद भी करते हैं। ठीक है, और ये कंटेंट एवरग्रीन होता है, यानी कि हमेशा चलने वाला, आपकी वीडियो कभी भी वायरल हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 69 रेशो वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा मीडिया का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाइट कलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर का ज़्यादा, इसके ऊपर अगर हम कोई भी कलर लगाएंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये वाला जो है एक बैकग्राउंड कलर ले लिया, तो आपको भी ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वापस से लेयर पे आना है और मीडिया पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पर एक और कलर हम चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं येलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद आपको इसे क्या करना है, वीडियो के इस तरीके से आपको इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको इस तरीके से इंक्रीज़ कर लिया, अब आपको इसे ऊपर की साइड में इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगा लिया। ठीक है, अब आपको इसको भी क्या करना है, वीडियो के एंड तक आपको इसको इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, जितनी भी लेंथ है आपके वीडियो की। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ लेयर पर आना है और टेक्स्ट पर आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिखना है। क्या टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ हिंदी जीके को, या फिर हिंदी रहने देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर जीके क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ तो जीके क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये लिख दिया, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ले आना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट में आ जाना है और आपको एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे इंक्रीज़ कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने इसे इस तरीके से इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शैडो का। ठीक है, जैसे कि शैडो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके इनेबल कर देना। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो हमारा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसे भी इनेबल कर देना है। ठीक है, आपको इसे भी इनेबल कर देना है और यहाँ पे हम कलर कर लेंगे ब्लैक। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो, अब ये कितना हाईलाइट हो रहा है, जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, आपको वीडियो के एंड तक इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे आना है वापस से और टेक्स्ट पे आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ और 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा बीच में ऐसे करेंगे इस तरीके से। अब इसे क्या करना है, इसके कलर को हम कर देंगे रेड। क्या दोस्तों, इसके कलर कर देंगे रेड। इसको इंक्रीज करके आपको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट में आ जाना है। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको अगर इस काइन मास्टर का लिंक चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे पूरा ऐप अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट मिलते हैं, तो जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, अब मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
और इसको जो है ना वीडियो के एंड तक आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। ये क्यों करना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं इसी की एक क्वेश्चन नंबर जो वन है ना इसी के एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने अब डुप्लीकेट लेयर बना दिया, अब आपको क्या करना है इसे यहाँ पे इस तरीके से लाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा, ठीक है, यहाँ पे अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम इसे काटेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं हिंदी कर लेता हूँ इसको, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि भारत, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भारत लिखना, दोस्तों भारत लिख दिया मैंने। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल के लिए ना एक क्वेश्चन लिखा, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। अब मैं इसको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से आपको फॉन्ट में आना और हिंदी का कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसे इस तरीके से इंक्रीज कर लेना, यहाँ पे ये देखो अब ये इस तरीके से आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक इन एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको इसे भी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको इन एनिमेशन के ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एक आउट एनिमेशन का, ठीक है। तो हम दोनों पे क्लिक करने वाले हैं, पहले हम करेंगे इन एनिमेशन पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेटर बाय लेटर का, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखो ये रहा एक लेटर बाय लेटर का ऑप्शन, मैं इसे भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ये लेटर बाय लेटर का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद क्या करना है आप लोग, जैसे देखो अब ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ, अब यहाँ पे आपको इस पे यहाँ पे इस तरीके से आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमें एक लेयर पे आ जाना है और टेक्स्ट पे आना है। अब यहाँ पे हमें लिखना है आंसर, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों, आंसर। तो जैसे हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे नीचे ले आना है और आपको कलर पे चले जाना है और आपको ब्लू कलर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू कलर कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप जीके क्वेश्चन का दोस्तों ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया, आप जीके क्वेश्चन जो है नए नए जो जीके क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन पे आप वीडियो बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपको फॉन्ट में आ जाना है, इसमें भी आपको एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि फॉन्ट इंपॉर्टेंट रखता है, इससे हमारे जो वीडियो की है ना वो क्वालिटी अच्छी होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे, ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ये, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर करने के बाद आपको क्या करना है, टिक कर देना है। अब इसको भी आपको क्या करना है, वीडियो के इसको तो एंड तक इंक्रीज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं इसको वीडियो के एंड तक इंक्रीज कर देता हूँ, आप लोगों को भी इसी तरीके से इसे भी वीडियो के एंड तक इंक्रीज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे देखो यह भारत की राजधानी क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर जहाँ पे लिखा हुआ है ना हमें यहाँ आंसर देना है। तो हम आंसर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है, आपको भी बना लेनी है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको आगे ले आऊँगा इस तरीके से। अब मैं वापस से इस वाले ऑप्शन पर जाऊँगा कीबोर्ड वाले पे और यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि हमारे जो भारत की राजधानी है वो है दिल्ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, अब यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से इंक्रीज करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से लाऊंगा। फॉन्ट में जाना है और आपको एक हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसे छोटा कर लिया, इतना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन एनिमेशन में जाना है और लास्ट में आ जाना है, आपको एक लेफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या राइट का, तो आपको इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद अब आप देखो ये किस तरीके से हमारी वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे दिल्ली है ना इसे तो हमें लास्ट इतना करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले आएगा भारत की राजधानी क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे आपको लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपको एक क्या करना है ना, टाइमर आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या दोस्तों, आपको एक टाइमर डाउनलोड कर लेना है जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैंने डाउनलोड कर नहीं रखा, लेकिन आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है डाउनलोड, ठीक है। तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ना आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है। क्या दोस्तों, टाइमर आपको लगा लेना है यहाँ पे। टाइमर लगाने के बाद जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको मीडिया पे जाऊँगा, आपको मैं एक वीडियो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कि डाउनलोड कर रखा होगा तो एक कोई तो मैं लगा ही देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा, वीडियो पे आ जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे ये है, ये एक टाइमर है मेरा, ठीक है। तो जैसे मैंने इस टाइमर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया, देखो अब ये इस तरीके से टाइमर घूम रहा है, ठीक है। तो आपको एक टाइमर डाउनलोड करना है। अब मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा इस तरीके से इतना। अब यहाँ पे देखो ये टाइमर किस तरीके से हमारा हो रहा है। यहाँ पे हम वीडियो प्ले करेंगे, अब ये टाइमर घूमने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमर खत्म होगा और नीचे आएगा दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से एनिमेशन तैयार हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इन सभी टेक्स्ट को बीच में से काटना है, ठीक है। जैसे ये भारत की राजधानी है, इसके कटर पे आएंगे और यहाँ बीच से काट देंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन वन है हमारा, इसको भी हम बीच में से काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली को भी हम यहाँ से बीच में से काट लेंगे। अब उसके बाद क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है, उसके बाद देखो अब हमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। तो जो हमारा क्वेश्चन वन था, इस पे आएंगे, कीबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे वन की जगह हम लिख देंगे क्या दोस्तों, टू। क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देंगे टू। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन टू लिख देना है। अब जहाँ क्वेश्चन वन था वहाँ क्वेश्चन टू आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे चेंज। क्या करेंगे दोस्तों, चेंज। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का
यहाँ पे लिखते हैं आप राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा था दिल्ली, तो हम दिल्ली को भी यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अशोक चक्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं दिल्ली को काट दूंगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या दोस्तों, अशोक चक्र, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अशोक, अब यहाँ पे आपको लिख देना चक्र। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ चक्र, तो यहाँ पे देखो आप ये चक्र आ गया अशोक चक्र। अब इसे भी क्या करना है, इसे भी हम इस तरीके से आगे थोड़ा सा लाएंगे यहाँ पे और थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेते हैं, इतना आपको एडजस्ट कर लेना मतलब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमारे इसके एनिमेशन कहाँ खत्म हो रहा है, ये भारत की राजधानी मतलब सॉरी भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, अब इतना आया। अब आपको क्या करना है, जो अशोक चक्र है ना, हमें इसको जो थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है और उसे खसका देना है पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे खसका दिया, अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, अब ये जो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा टाइमर था, हम टाइमर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो टाइमर है इसके आपको थ्री डॉट पे आना है और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। इसको भी आपको आगे लेके आ जाना है कहाँ पे, जैसे कि हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन पूछा हमने, यहाँ पे हमारा टाइमर आया, अब यहाँ पे जैसे अशोक चक्र है, ठीक है। तो हम टाइमर के बाद अशोक चक्र को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग ये किस तरीके से एनिमेशन बना। अब यहाँ पे जैसे मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, अब पहला क्वेश्चन खत्म, अब दूसरा क्वेश्चन आया भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ठीक है। अब ये टाइमर चला और नीचे आपका टाइमर खत्म होती है, आंसर आ गया अशोक चक्र, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपनी वीडियो को बना लेना है। जैसे कि देखो मैंने दो क्वेश्चन की वीडियो बना दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 10 या 20 या 50 जितने भी क्वेश्चन के आप वीडियो बनाना चाहते हो, आप इसी तरीके से वीडियो बनाओगे। उसके बाद आपको ऑडियो पे आ जाना है, ऑडियो पे आपको ऑडियो भी यहाँ पे चूज कर सकते हो बीच बीच में, यानी कि आपको एक सॉन्ग लगाना चाहते हो, और वो सॉन्ग आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, यूट्यूब लाइब्रेरी से, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से वीडियो बनती है। अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, अपलोड करने के लिए आपको कोई भी यहाँ पे थंबनेल नहीं बनाना, या फिर आप बना भी सकते हो, जैसे कि लिख सकते हो आपकी भारत के, या फिर आप लिख सकते हो 2022 न्यू जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद आप लोगों को अपलोड करने के बाद टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में वही सेम प्रोसेस है। आप देखोगे जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च में आते हैं ना, जैसे कि आप खुद ही सर्च करके देखोगे कभी, तो ये देखना जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स या न्यू जीके क्वेश्चन आंसर्स, तो मतलब ऐसे ही आपको अपने टाइटल में कीवर्ड लगाना है जो कि सर्च करते ही सबसे पहले आपकी वीडियो देखने को मिले, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी आपको अच्छा सा धाकड़ सा रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों पिछली बार ना मैं हर बार आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ कोड टाइप नहीं करना है, कोड टाइप करने के बाद आप लोगों को अपना यूज़र नेम भी टाइप करना है, इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी जो होता है ना उसे भी आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने टाइप नहीं किया, तो इस वजह से मैं इस बार भी जो है विनर नहीं चुन पाया हूँ। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि जो मैं कोड अभी बोलने वाला हूँ ना, उस कोड को लिखने के बाद, जैसे आप मैंने कोई भी एक्स वाई जेड कोड बोला, उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी लिखनी है, जो सबसे पहले लिखेगा वो हमारे इस गिव अवे का विनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कोड और बोलने वाला हूँ, तो आपको ये कोड लिखना है। कोड क्या होने वाला दोस्तों, 1234, ठीक है। 1234 हमारा कोड है। इसके बाद आपको अपना यूजर नेम लिख देना है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको हम अपनी तरफ से 1K फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे फ्री में जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विनर का अनाउंसमेंट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।